कमिश्नर रीवा ने स्कूल चलो अभियान की समीक्षा करते हुए एक भी बच्चा स्कूल जाने से वंचित न रहे का निर्देश दिया। कमिश्नर रीवा डॉक्टर ओम प्रकाश भार्गव ने स्कूल चलो अभियान की समीक्षा करते हुए कहा, जिले भर की शिक्षा विभाग की इस बात पर खास तौर से ध्यान देना है कि जिले का प्रत्येक बच्चा स्कूल जाए। समीक्षा के दौरान कमिश्नर रीवा के तेवर काफी तीखे नजर आए। कमिश्नर रीवा चाहते हैं नया शिक्षण सत्र प्रारंभ हो गया है, जिले में रहने वाला हर बच्चा स्कूल जाए, इसके लिए शिक्षा विभाग गंभीरता से जो भी हो मेरे को मैं ये चाहता हूँ कि 100% आपका होना चाहिए। कोई भी बच्चा स्कूल जाने से वंचित ना रहे, ये जिम्मेदारी आपकी है। सरकार का मित्र पर बैठक करिए, आपकी सीओ को बुलवाइए, डीआरसी को बुलाइए, डीसी को बुलाइए, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए जी काम नहीं कर रहे। लेकिन ये 100% होना चाहिए, ये 100% आपका हो रहा है। और बाकी जिलों में तो फिर भी कम से कम स्थिति ठीक है, 78 है, लेकिन फिर भी कम है ना। 100% होना, 52% और 54% बताइए, बैठक करिए ना। और वहाँ भी 51% हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, फिगर यहाँ पर नहीं। लेकिन हमको सिर्फ 92% तक ही सीमित नहीं रहना, एक भी बच्चा स्कूल जाने से वंचित ना रहे, ये जिम्मेदारी हमारी। और आज भी जब बैठा होगी तो उसमें ये फिगर मेरे को बड़े हुए मिलना चाहिए। सर बिल्कुल बिल्कुल बहुत सख्ती से कहा, तीन वेतन वृद्धि रोकूंगा मैं यदि 100% नहीं आया, ठीक है आप मान के चलिए, उसको कराइए। स्कूल चलो अभियान का कार्यशाला रखिए, जिसमें सभी धर्म गुरुओं को बुलवाइए, समाज सेवियों को बुलवाइए, कुछ जो प्रभावशाली समाज के जो व्यक्ति उनको बुलवाइए, जनप्रतिनिधियों को बुलवाइए, एक माहौल बनाइए। और जहाँ जहाँ अभी बच्चे रह गए हैं उनको जो है स्कूल में भर्ती हो जाए, इसके लिए वहाँ पर एक वातावरण बनाइए। ग्राम स्तर पर इस तरह की कुछ सभाएं करिए, आप चौपाल करिए, स्कूल चलो अभियान फिर बैठक करिए, तब तो ये कामयाब होगा आपका। अब 1 जुलाई के बाद से अभी ये पूरा जुलाई महीना आपका काम है, इसमें पूरा मेरे को एनालिसिस करके बताइए कि कौन कौन सी जगह पर सबसे ज्यादा बच्चे स्कूल जाने, सभी बच्चे उनके खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हैं। समझ गए आप इस बात को? शिक्षा की दृष्टि से गरीबा वैसे भी बहुत दयनीय स्थिति में है, इसलिए ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। 100% इनका जो है नामांकन होना बहुत जरूरी है, कराइए स्कूल। और दूसरी स्थिति क्या है आपकी, ये बढ़ती जो आपने बताया इसमें।